वेलकम टू ब्लशिंग ब्यूटी। हाउ आर यू डूइंग टुडे गाइस? मुझे उम्मीद है कि आप अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, अपने परिवार जनों के साथ होंगे। तो आज का ये वीडियो आप देख पा रहे हैं एज अ टाइटल नेम से ही कि ये एक टेंट तैयार करने वाली हूँ मैं। तो बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे गाइस कि ये टेंट क्या होता है। तो जिन लोगों के टेंट के बारे में नहीं पता है, मैं उन लोगों को बता देती हूँ। टेंट एक तरह से नेचुरल रूस होता है जिसे आप यहाँ लगा सकते हैं, अपने यहाँ लगा सकते हैं। नेचुरल जो पिंक कलर का आपने देखा होगा, मेकअप करते हैं हम, मेकअप करने के बाद बहुत से लोगों का शिमरी फेस लगता है और ब्लशी फेस लगता है, मतलब बहुत ही पिंक कलर का लुक आता है। अभी देखिए मैंने कोई भी टेंट नहीं लगाया हुआ है, तो नॉर्मल लग रहा है, कुछ भी मैंने नहीं लगाया, शिमर भी नहीं लगाया हुआ है, तो सिंपल लग रहा है। अभी टेंट लगाएंगे तो थोड़ा सा रूस जैसा सा कलर आ जाएगा, तो वही होता है टेंट। अब यार क्या होता है गाइस, मैं आपको बता दूं, लॉकडाउन का टाइम है, आप नए DIY ट्राई कर सकते हैं। घर में मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको नए नए DIYs करके बताऊंगी। और बाहर का मुझे लगता है कि आप बहुत सारा कॉस्मेटिक अपने फेस पे अप्लाई करेंगे, उतना ज़्यादा आपका फेस ख़राब होगा। तो नेचुरल कैसे आप तैयार कर सकते हैं, नेचुरल टिंट कैसे तैयार कर सकते हैं, ये वीडियो उसी लिए है। तो आइए लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। नेचुरल टिंट तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है कोकोनट ऑयल की। मैं आपको बता दूंगी इसकी ज़रूरत क्यों होती है। ये देखिए मैंने खाली बाउल ले लिया है, एक खाली बाउल है, इसमें मैं कोकोनट ऑयल की थोड़ी सी ड्रॉप्स डाल देती हूँ, दो तीन। ये देखिए ये मैंने इसमें कोकोनट ऑयल डाल दिया है गाइस। कोकोनट ऑयल डालने के बाद गाइस मेरे पास ये एलोवेरा जेल है। आपके पास कोई भी एलोवेरा जेल हो आप लगा सकते हैं, इसमें ऐड करना होता है। तो आप इसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल डाल दीजिए, इतना, ये सफिशिएंट है इतना अप्रॉक्स। मैंने दो तीन बार प्रेस किया है इस ट्यूब को, इसमें मैंने एलोवेरा जेल डाल दिया है। अब इसको आपको मिक्स करना है। मेरे पास ये ब्रश है गाइस, इसलिए मैं ब्रश की हेल्प से कर रही हूँ। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप स्पून या फिंगर से कर सकते हैं। अब आप जब इसे मिक्स करेंगे गाइस, तो देखिए क्रीमी टेक्सचर सा लुक आ रहा है इसका। देखिए मैंने बहुत कम क्वांटिटी ली है, मैं थोड़ा ज़्यादा ऐड कर देती हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से दिखा पाऊँ। और उसके बाद जब आप ये डेली लाइफ में यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा लुक आता है गाइस, और बहुत ही प्लेजेंट लगता है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और ये DIY कैसा लगा। मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में कर देती हूँ। देखिए जब मैं इसे मिक्स कर रही हूँ, मिक्स 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 मिक्स, तो देखिए जैसा क्रीमी सा टेक्सचर आ रहा है गाइस। मैं देखिए तो गाइस आप देख पा रहे हैं ये इस तरह से क्रीमी का टेक्सचर आ रहा है, क्रीम बन गई है टोटली, वाइट सी क्रीम। क्वांटिटी मैंने कम घोली हुई है, इस वजह से आपको कम दिख रहा है। जब आप थोड़ा ज़्यादा घोलेंगे तो आपको ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ये इस ब्रश में लग गया है। देखिए कितना सारा क्वांटिटी इस ब्रश में आ गया है। ये देखिए क्रीम इस तरह की है और ब्रश में आ चुका है। अब देखिए गाइज अगर आपके पास फूड कलर अवेलेबल है, फूड कलर जो भी आप खाने में डालते हैं कलरिंग ऐड करने के लिए, वो आप ऐड कर सकते हैं। और अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी जो आपकी लिपस्टिक होती है, जैसे ये लिपस्टिक है मेरे पास ख़राब हो चुकी है, ज़्यादा मैं यूज़ भी नहीं करती हूँ, तो आप इन लिपस्टिक का यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या करना है आपको, इन लिपस्टिक में से थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करनी है। लाइक मेरे ये मैंने ले लिया है इतना सा, ये देखिए मैंने इसमें लिपस्टिक कलर ऐड कर दिया है। अब मैं इसे मिक्स कर रही हूँ, इसे मिक्स करते रहना है, जितना ज़्यादा आप मिक्स करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा कलर आएगा। तो गाइस आप देख पा रहे हैं मैंने इसमें कलर ऐड कर दिया है, अपनी लिपस्टिक का पार्टिकल देखिए कट करके मैंने इसमें डाल दिया था, ये है। और इसमें अब वाइट क्रीम की जगह ये पिंकिश सा लुक आ रहा है, हल्का चेरी सा, वीकन से टमाटो टाइप का फ्लेवर आ रहा है। देखिए गाइस ये आपकी चॉइस है कि आप किस कलर की लिपस्टिक ऐड कर रहे हैं। अगर आपको ऑरेंज शेड चाहिए तो आप ऑरेंज टेक्स्चर ऐड कीजिए, जो भी कलर आपको चाहिए आप वो कलर का लिपस्टिक शेड ऐड कर सकते हैं। और लाइट चाहिए या डार्क चाहिए वो भी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये क्रीम तैयार हो चुकी है गाइस बिल्कुल। अब मैं इसे लगा के दिखाती हूँ ये कैसा लगता है। मैंने अपने हैंड्स को क्लीन कर लिया, इसमें गाइस थोड़ी सी लिपस्टिक लगी हुई है, मैं इसे क्लीन कर लेती हूँ। देखिए मेरे हैंड्स क्लीन हो चुके हैं। अब आपको करना क्या है गाइस, अपने हैंड में ही थोड़ा सा मिक्सचर लेना है, मैं आपको इसमें करके दिखा देती हूँ। ये आपने मिक्सचर लिया जो क्रीमी टेक्सचर का था, अब मैं मिरर की सहायता से अपने चीक्स पे लगा के दिखाती हूँ। जब आप इसको लगाएंगे गाइस इस तरह से, देखिए ये
मैं और लगा के दिखा देती हूँ आपको। गाइस देखिए, जितना ज़्यादा आप मिक्स करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा कलर आएगा, और जितना कम मिक्स करेंगे आप उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। तो मेक श्योर कि जब भी आप ये DIY करें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे मिक्स करें। तो मिक्स 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 मिक्स, अब मैं इसको आपको और लगा के दिखाती हूँ किस तरह का लुक आता है। ये मैं हैंड से अप्लाई कर रही हूँ गाइस, क्योंकि ये होममेड DIY है, हैंड से ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो गाइज आप देख पा रहे हैं ये मैंने बिल्कुल अप्लाई कर लिया है। अभी ये थोड़ा सा वेट है बिकॉज एलोवेरा था ये, अभी ये फेस पे लगने के बाद थोड़ा सा सूख जाएगा, उसके बाद आपको एग्जैक्ट कलर इसका पता चलेगा। मैंने बहुत ही लाइट कलर की क्रीम ऐड करी थी, ज़्यादा डार्क मुझे अच्छा नहीं लगता है, और डेली लाइफ में गाइज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा अगर डार्क आप टिंट यूज़ करेंगे। तो आप देखिए गाइज कितना लाइटली, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, कितना लाइट पिंकिश शेड आ रहा है इसमें। यहाँ पर मैं आपको अपनी नोज़ पर भी अप्लाई करके दिखाती हूँ, फिर आपको डिफरेंस पता चलेगा। गाइज मैं अपनी नोज पे अप्लाई कर रही हूँ गाइस से, देखिए इस तरह का ये आ रहा है। इस तरह से आपको अप्लाई करना है, कितना शाइनी लग रहा है ये। मैं इधर और अप्लाई करके दिखा देती हूँ आपको। देखिए गाइज अगर आपके पास फूड कलर है तो बहुत ही अच्छा है, और अगर फूड कलर नहीं है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, और ये बहुत ही नेचुरल लगता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि आपने कुछ पुट ऑन किया हुआ है। अब मैं आपको अपना आधा चीक दिखाती हूँ, देखिए अभी ये सूखा नहीं है, हल्की सी हवा लग जाएगी तो ये सूख जाएगा। तो अब देखिए इधर का जो चीक है थोड़ा शाइनी सा लग रहा है, और थोड़ा पिंकिश शेड आ रहा है इसमें, देख पा रहे हैं आप। मैंने अभी कुछ भी कॉन्टूरिंग वगैरह नहीं किया हुआ है, जस्ट मैंने लिपस्टिक लगाई है और अपने फेस पे फाउंडेशन लगाया है। फाउंडेशन के ऊपर ही मैंने टिंट यूज़ किया हुआ है। तो इधर देखिए अब चेरी सा शेड आ रहा है, और मेरी नोज़ पे भी देखिए थोड़ा शिमरी लग रहा है एज़ कम्पेयर टू ये। यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं लगाया हुआ है और बिल्कुल प्लेन सा लग रहा है, और इधर थोड़ा शिमरी सा लुक आ रहा है देखिए। ये देख पा रहे हैं आप मेरी नोज़, देख पा रहे हैं आप कितना ज़्यादा प्यारा टमाटो सा शेड आ रहा है। अगर मैं चाहूँ तो इसमें कोई और लिपस्टिक ऐड करके DIY कर सकती हूँ, बट मैंने सिर्फ आपको अभी ट्राई करके दिखाया है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए घर पे, और ट्राई करने के बाद मुझे बताइएगा कैसा लगा। और इसमें हमने कोकोनट ऑयल यूज़ किया था गाइस, उसकी वजह ये है कोकोनट ऑयल जब आप यूज़ करते हैं तो आप उसको फैला सकते हैं। लाइक अगर आपको अभी लग रहा है कि सिर्फ इतनी सी जगह में ही लगाना नहीं है, पूरे फेस पर कवर करना है, तो आप इसको स्प्रेड कर सकते हैं इस तरह। देखिए मैं करके दिखा दी हूँ, बहुत ही जेंटल हैंड से आप इसे स्प्रेड कर दीजिए, ये पूरे चीक्स पे स्प्रेड हो गया। देखिए कितना अच्छे से स्प्रेड हो चुका है ये। नोज़ पे भी अगर आप चाहें तो स्प्रेड कर सकते हैं, और इस साइड मैंने अभी नहीं लगाया, देखिए इस साइड मैंने नहीं लगाया कुछ भी, और इधर मैंने पूरे पे स्प्रेड कर दिया है। तो इतना ज़्यादा प्यारा ग्लो आता है गाइज, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये DIY कैसा लगा। और मैंने एक आईब्रो फिलिंग की DIY करके दिखाई हुई है कि आपको आईब्रोज कैसे सेट करनी है, आप उसे ज़रूर ट्राई कीजिए, बिकॉज लॉकडाउन में आप पार्लर नहीं जा सकते हैं गाइज, आपको खुद से ही अपनी ब्रोज सेट करनी है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर ट्राई कीजिए, एंड प्लीज़ लाइक माई चैनल, subscribe my channel. Thank you. Have a great day. Bye bye.